बोर्ड पे देखना कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक है, और मैक्सिमम बच्चों का जो एग्जामिनर आंसर को जो टैली करता है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट के बिहा पे करता है। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था एक बार मैं उसको बता दूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, शेयर को जब री इशू करा जाए तो री इशू कैसे किया जाएगा। लास्ट क्लास में हमने एसी ऑन कर रखा है क्या, वहां से ऑफ नहीं किया उसने, ऑफ कर दो। अरे ये ऑन कैसे फ्लैप, बंद नहीं हो रहा, ये तो ऑफ है यहां से। दोबारा ऑन करना एक बार, बस ऑन रहने दो, रुक जाओ, ऑन करके ऑफ कर रहे हो फटाफट आप, छोड़ दो छोड़ दो ऑन करके। कर दो बंद, कर दो बंद, कर दो अब, कर दो बंद। चलो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में शेयर फोर फीचर के हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखा था। शेयर फोर फीचर अभी आधा ही हुआ है क्योंकि प्रीमियम वाला अभी नहीं करा, पहले हम रीइशू कर लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। रीइशू के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, जो एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। रीइशू के लिए अगर मैं एग्जाम्पल एक लिखूं तो ध्यान से देखना, और इस क्वेश्चन में हम इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे जब तक हमें ये समझ में नहीं आ जाए। मैंने लिखा एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसने इशूड किए सपोज 10,000 शेयर, ₹10 ईच एंड पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस फाइनल कॉल, बैलेंस फाइनल कॉल, मिस्टर राम हु होल्ड 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर फोर फीचर, हिज शेयर फोर फीचर कब, आफ्टर फाइनल कॉल। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम रीइशू का कॉन्सेप्ट को अभी ऐड नहीं किया, ये सिर्फ फोर फीचर है, तो फोर फीचर तक का करेंगे, मैं बाद में रीइशू इस क्वेश्चन में ऐड करूंगा। तो यहां तक नॉर्मली एंट्री कैसे करते हैं, मैं स्टार्टिंग से एंड तक एंट्री कर रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल देखना। एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन और ये आएगा 20,000। अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 20,000। अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। अगली एंट्री बैंक में पैसे जब रिसीव करने जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो 30,000 में से 100 शेयर होल्डर फेलियर है, और इसका कुछ मैं डिटेल अगर बनाऊं तो डिटेल इस तरीके से है। ₹10 का शेयर है,
और ये रहा डिटेल, 2 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये, ठीक है, ये डिटेल बना दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसमें से माइनस कितना करेंगे, 300 रुपये, तो 30,000 में से माइनस अगर 300 कर दें, 29, एरियर ऑन अलॉटमेंट डेबिट 300 रुपये, और हमारे बैंक में जो पैसा आएगा, सॉरी शेयर अलॉटमेंट, यहां तक समझ में आया? इसके बाद शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट कितने का है, तो कितना आना चाहिए, ठीक है, 50,000। इसके बाद आगे मैं बात करूं, बैंक अकाउंट डेबिट, तो आप मुझे बताना बैंक में क्या पूरे पैसे आएंगे, नहीं आएंगे, आने कितने थे, 50,000, जिसमें से एक फेल हो रहा है तो ये अलॉटमेंट का नहीं दे रहा होगा कितने, 500, तो उसको माइनस कर दो, तो 49 कॉल इन एरियर, फाइव हंड्रेड, और टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 50,000, टू शेयर फाइनल कॉल 50,000 शेयर चाहिए, यहां तक समझ में आया? यहां तक का कोई एंट्री, किसी का डिफिकल्टी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट नो के हम सिंपल एंट्री करते हैं। अब शेयर फॉरफीचर करने जा रहा हूं मैं, शेयर फॉरफीचर फाइनल कॉल के बाद बोला है, आफ्टर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल के बाद अगर मैं शेयर फॉरफीचर करूं तो एंट्री क्या करूंगा, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर का कितने पूरे, 10 रुपए, यानी 1,000, क्योंकि इस शेयर होल्डर से मैंने ये भी मांगा था, ये भी मांगा और फाइनल भी मांगा, तो फाइनल तक नहीं दिया तो सबको जोड़ के हमने 10 कर दिया। अगर इस शेयर होल्डर का अलॉटमेंट पे फेल हुआ और यही फोर फीचर कर लेते हैं तो कितना लिखते हैं, 3 और 2 5 रुपए लिखते हैं उस केस में, ठीक है। अब शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर, और शेयर फॉर फीचर कितना होना है, जितने पैसे उसने मुझे दिए होंगे, तो सिर्फ इसने पेड तो यही किया, तो फॉर फीचर हम कितने अमाउंट करेंगे, जितने अमाउंट उसने हमें दे रखा है उसी को तो कर सकते हैं, तो यानी 2 रुपए के हिसाब से। अब यहां पे नीचे डिटेल लिखेंगे, अलॉटमेंट एरियर, पहले तो हमारा है 300 और टू कॉल्स इन एरियर 500। क्या यहां तक क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने किया था, ये है हमारा फोर फीचर की एंट्री। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, री इशू। अब री इशू के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, या तो मैंने सारे शेयर री इशू करे होंगे या पार्टली। अब ये होता क्या है, सारे शेयर और पार्टली, एक एग्जाम्पल देखो, आप मुझे जवाब देना उसका। सपोज करो कि ये एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, इसका एक ऐसा पर्सन जो कि सारा पैसा नहीं दे रहा, तो इसके पास राइट है कि इससे शेयर को छीन सकता है, और इससे शेयर जो लेगा उसको बोलेंगे शेयर फॉरफीचर करना। अब कंपनी ने यहां मेरे वाले एग्जाम्पल में कितने से रजिस्टर करवाया था अपने आप को, इस एग्जाम्पल में 10,000 का, क्या कंपनी 10,000 से ज्यादा शेयर इशू कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके 100 शेयर को जब्त कर लूं, तो कंपनी के पहले तो मार्केट में 10,000 शेयर थे, लेकिन कंपनी के 100 शेयर तो कंपनी के पास वापस ही आ गया,
तो मार्केट में कंपनी के कितने शेयर रह गए, ठीक है? तो अब कंपनी के पास जो पहले से शेयर आया हुआ है उस शेयर को क्या कर सकता है, री इशू कर सकता है। समस्या ये है कि री इशू जो करेगा वो कितने शेयर कर सकता है। क्या कंपनी, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कंपनी 200 शेयर री इशू कर सकता है, क्योंकि 10,000 को एक्सीड कर जाएगा वो, हमें कितना पूरा करना है, 10,000। क्या कंपनी 150 कर सकता है, क्या कंपनी 101 कर सकता है, क्या कंपनी 100 कर सकता है, कर सकता है कंपनी 100 शेयर भी रीइशू। क्या कंपनी यहां पे 90 शेयर रीइशू कर सकता है, यानी 10,000 से कम तो आप जितना मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपको रीइशू का मतलब समझ में आ रहा है, पहले हम शेयर होल्डर से शेयर को क्या करेंगे, ले लेंगे, उसके बाद जब दोबारा देंगे तो उसको बोला जाएगा शेयर क्या कर दिया गया, रीइशू। और रीइशू कितने शेयर कर सकता है, जितना मैक्सिमम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग। अब यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, एक तो ये पता चल गया कि कंपनी शेयर जितना फोरफीचर करेगा उसको या तो सारा इशू कर सकता है, 100 करे तो 100 पूरा कर सकता है, और 100 से कम भी। लेकिन फर्स्ट टाइम तो दिया, और दूसरी बार जब देगा तो पब्लिक उस शेयर को कितने में लेगा, मैटर ये करता है कि पब्लिक उस शेयर को खरीदने के लिए कितने में इंटरेस्टेड है। तो अब हो सकता है कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, तो मान लेते हैं कंपनी इशू कर सकता है, री इशू एट, री इशूड एट, ये मार्कर सही नहीं चल रहा, हो सकता है क्या कंपनी 10 में री इशू कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है। क्या कंपनी 12 में री इशू कर सकता है, 10 वाले शेयर को 12 में री इशू करना, कर सकता है। कंपनी के पास जैसे प्रीमियम होता है ना, वैसे भी री इशू किया जा सकता है, 10 के बाद 12 में भी किया जा सकता है। क्या कंपनी 9 में री इशू कर सकता है, कर सकता है, कम वैल्यू पे भी कर सकता है। एक क्वेश्चन आएगा आपके एमसीक्यू में, होगा क्या, आपसे पूछा जाएगा क्या कंपनी शेयर को इशू डिस्काउंट पे कर सकता है। देखो, इशू और री इशू दोनों अलग चीज है। इशू कंपनी ने पहली बार शेयर इशू किया है, री इशू पहले छीन लेगा उससे शेयर होल्डर से, फिर दोबारा देगा उसको, री इशू बोलेंगे। तो कंपनी इशू क्या 10 रुपए से कम पे कर सकता है, आंसर इज नो, फेस वैल्यू से कंपनी। कंपनी री इशू क्या कम पे कर सकता है फेस वैल्यू से, बिल्कुल कर सकता है। क्या ये 8 रुपए में कर सकता है, कर सकता है। क्या ये 7 रुपए में कर सकता है, नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन ये भी आएगा, अब हम ऐसे 7, 6, 5, 4 करते जाएंगे। लॉ ने क्या बोला, भाई कंपनी आप सेकंड हैंड शेयर बेच रहे हो, मैं रीइशू का सेकंड हैंड नाम दे रहा हूं, ठीक है, आप सेकंड हैंड शेयर बेच रहे हो तो आप सस्ते में बेचो लेकिन याद रखना जितना आपने एक शेयर होल्डर से कमाया था, फोर फीचर किया था, उससे एक सस्ता तो दे ही नहीं सकते उसको काट के। यानी देखो यहां पे आपने कितने रुपए कमाए थे, यहां पे अर्न है ना, एक तरीके से अर्निंग, और एक तरीके से एक शेयर पे 2 रुपए। तो कंपनी क्या कहता है, 8 वाला शेयर आप 9 में करो कोई दिक्कत नहीं है, 9:30 में करो कोई दिक्कत नहीं है, 8 में करो कोई दिक्कत नहीं है, 8:30 में करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 7:30 जाओगे तो 2 रुपए तो आपने कमाई है, तो 50 पैसे तो और एक्स्ट्रा आपको लॉस होने वाला है, वो अलाउड नहीं है। यानी जितना फोर फीचर पे कमाया है उससे ज्यादा पे क्या कर सकता है डिस्काउंट, नहीं। कंपनी मैक्सिमम कितने रुपए में दे सकता है, 8 रुपए में। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, जितने हमने फोर फीचर में कमाए 8 रुपए। चलो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और पूछ लूं मैं, मान लो 10 रुपए का शेयर है, इसी से रिलेटेड आप जवाब देना, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4, 6, 3, 9 और 1 रुपए, ठीक है ना। एक शेयर होल्डर ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, मान लेते हैं कंपनी के पास 100 शेयर है और कंपनी रीइशू करना चाहता है, क्या कंपनी 10 में रीइशू कर सकता है। शेयर होल्डर यहां और यहां फेल हो गया, इसका मतलब शेयर होल्डर ने ये सारे पैसे दे दिए, तो क्या कंपनी 10 रुपए जो दे रखा है आपका रीइशू कर सकता है, क्या कंपनी 12 में, क्या कंपनी 8 में, क्या कंपनी 7 में, 7 में कर सकता है, क्योंकि वो नुकसान कितना कंपनी बियर कर सकता है, 6। क्या 5 में,
नहीं कर सकता। देखो 10 है, 10 है, 10 में से कितना कमा चुका है शेयर होल्डर से, तो 6 रुपए का नुकसान अगर बियर करेगा तो 10 में से 5 ही तो नुकसान हुआ। सोचो कर सकता है नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। 10 रुपए का शेयर है और मैं 6 रुपए डिस्काउंट देने के लायक हूं, कैसे? क्योंकि मैंने 6 रुपए किसी और शेयर होल्डर से लिया है, तो 10 रुपए में से अगर 6 रुपए डिस्काउंट देने के लायक हूं तो मैं 4 तक रीइशू कर सकता हूं। मैं तो मैंने कितने में रीइशू करने को बोला, क्या पॉसिबल है? क्या 4 में कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं। क्या 3 में? अब नहीं हो सकता। समझ में आई बात? यानी जितना शेयर होल्डर से मैं कमाऊंगा दोबारा बेचते टाइम पे, उतने नुकसान, उतना लॉस मैं बियर करने के कैपेबल हूं, उससे ज्यादा एक पैसे नहीं होगा। समझ में आई बात? ठीक है, एक और एग्जांपल लू। मान लो ये यहां फेल होता, क्या मैं 2 रुपए में रीइशू कर सकता था? क्योंकि मैं 9 रुपए तो लॉस बियर, और 10 में से 9 गए तो बजे भाई 1, 1 में भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, क्या मैं 50 पैसे में कर सकता हूं? नहीं कर सकता। समझ में आया कि रीइशू कंपनी कितने पे करेगा? तो क्वेश्चन क्या रेज होता है कि भाई जब शेयर रीइशू किया जाए तो कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है? जितना फोर फीचर किया है उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा एक कि एट द टाइम ऑफ शेयर फोर फीचर मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी इक्वल टू शेयर फोर फीचर, लेकिन एट द टाइम ऑफ इशू, इशू और रीइशू में कंफ्यूज करेगा, ध्यान देना, एट द टाइम ऑफ इशू मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? नहीं दे सकते डिस्काउंट पे। इशू में पहली पहली बार जो शेयर दिया है उसको डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। रीइशू में क्या दे सकते हैं? एट द टाइम ऑफ इशू प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है। दूसरी क्लास याद करो ना, सारे क्वेश्चन तो प्रीमियम पे इशू किए थे। क्या रीइशू प्रीमियम पे किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 10 का शेयर 15 ले लूंगा मैं, कोई मना थोड़ी करेगा, लेकिन रूल किस पे बनाया कि लॉस ज्यादा नहीं बियर करना आपने। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 10 पे इशू कर सकता है, अब इस एग्जांपल पे आ जाए कम। ठीक है, 10 पे इशू कर सकता है, 12 पे भी कर सकता है, 9 पे कर सकता है, 8 पे, क्योंकि 2 रुपए कमाए इसने, क्या 7 पे हो सकता है? कितने कमाए थे इसने? 2। लॉस कितना बियर कर सकता है? तो 7 रुपए पे नहीं होगा। किसी बच्चे का अगर क्वेश्चन आता है कि सर ये इससे कम पे कर सकता है, उसका जवाब ये है कि लॉ के हिसाब से हमें जितना फोर फीचर है उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। समझ में आया? सिंपल। चलो अब मैं यहां पे कितने केस लिखे, 1, 2, 3, 4, मैं हर केस का करके दिखाऊंगा। और पहले मैं ये वाला पॉइंट करने जा रहा हूं, मैं पहले करके दिखाऊंगा अगर कंपनी 10 पे करे तो कैसे एंट्री, फिर मैं करके दिखाऊंगा कंपनी 12 पे करे तो कैसे एंट्री, फिर मैं करके दिखाऊंगा कंपनी 9 पे करे तो कैसे एंट्री, फिर मैं करके दिखाऊंगा 8 पे करे तो कैसे एंट्री। ठीक है ना, तो ये कितने केस हो गए, 1, 2, 3, 4। तो मैं केस 1 केस 2 करके हर किसी की एंट्री करता जाऊंगा। केस नंबर 1 10 रुपए वाले की, तो अब रीइशू करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा। ध्यान से देखना, ये रीइशू की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर रीइशू करें? सारे। तो फोर फीचर कितने किए थे? 100। तो 100 शेयर कितने का बेचा, तो बैंक में कितने रुपए आ गए? 1000। समझ में आया क्या? बैंक में 1000 आ गया, तो अब टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने गए? मैं कैपिटल दूंगा ना दोबारा नए वाले बंदे को, या पैसे लेके भेज दूंगा मैं उसे? कैपिटल तो देना पड़ेगा भाई। अब जो आप मान लो आप खरीद रहे हो शेयर, तो आपको क्या मतलब पुराने नहीं, आप बोलोगे भाई मेरे को तो कैपिटल दो, मैंने पैसे दिए। तो एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। एप्लीकेशन एप्लीकेशन का झंझट छोड़ो, खत्म। वो स्टार्टिंग में करते थे, वो बचपन की एंट्री है एप्लीकेशन वगैरह वाली, अब रीइशू पे आ गए एंड पे, तो उस एंट्री को छोड़ो। एप्लीकेशन वगैरह नहीं भाई, पुराने शेयर है लेने ले लो, अगर नहीं लेने तो कोई बात नहीं, हम किसी और को बेच देंगे। ठीक है, अब आपको याद होगा 11th क्लास में हमारे प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक प्रॉफिट होता है कैपिटल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो ड्यूरिंग हम बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस से हम जितना भी पैसा कमाते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जिसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। और जो प्रॉफिट कमाया जाता है कभी कभी उसको गेन भी बोला जाता है, और उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मानते।
तो ये वाला फोर फीचर क्या कंपनी में रेगुलर बेसिस पे होगा? कभी कभी होने वाला है। तो इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे, ये प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, एक जगह से पैसे निकाल के दूसरी जगह डालूंगा तो वो खत्म हो जाएगा ना पहले जगह। इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ठीक है ना, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, अगली एंट्री करूंगा शेयर फॉर फीचर, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए लिखूंगा, कितने कमाए थे? देखिए समझ में आया, यानी री इशू की दो एंट्री है, एक तो री इशू में कितना पैसा है उसको संभाल के लिखना है एंट्री में, और दूसरा जो पैसा हमने कमाया है उसको कहां भेजना है? कैपिटल रिजर्व में। दो चीजें हैं। चलो केस नंबर टू, केस नंबर टू मैं 12 रुपए मान रहा हूं। ठीक है, आप देखते हैं किसका जवाब आता है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने आएंगे? 100 शेयर थे और 12 रुपए के हिसाब से देगा 1200। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम इक्विटी शेयर तो 10 का ही दे सकते हैं, 1000। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 200 रुपए। क्या समझ में आया? अब नुकसान फायदे की बात करते हैं। फायदा यहां पे कितना कमाया था? क्या यहां नुकसान वगैरह कुछ है? उल्टा फायदा है। तो अब शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 200 या 400 कैपिटल रिजर्व में। अब देखो फोर फीचर पे कितना कमाया था, अब ये डेबिट क्या कर रहा हूं मैं, एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व होता है ना। आप खुद सोचो अगर 400 जवाब है तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम यहां डेबिट हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाता, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने खत्म किया क्या? नहीं किया। तो क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर सिर्फ डेबिट कर रहा हूं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिसीव करोगे, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा लोगे, उससे कोई मतलब नहीं है कैपिटल रिजर्व का। हमें किससे लेना देना है? सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर वाले से। तो इसका मतलब आंसर इज 200। समझ में आया क्या? केस नंबर थ्री, कितने रुपए का? 9 रुपए का। ठीक है, बैंक में पैसा रिसीव करेंगे, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट 100 × 900। अब मेरा यहां नुकसान हो गया तो शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करो 100 रुपए। कैसे? 100 रुपए, 10 का शेयर था, 9 में बेचा तो 1 का तो नुकसान ही है, 100 रुपए डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब फोर फीचर में मेरा कितना कमाया हुआ है, लेकिन री इशू के टाइम पे मेरा नुकसान हो गया 100। फोर फीचर के टाइम पे कमाया कितना था? 200। री इशू के टाइम पे नुकसान हो गया कितने का? अब हमें कैपिटल रिजर्व में भेजना पड़ेगा 100 रुपए। ठीक है, तो एंट्री करेंगे शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया क्या? ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। अब चौथा केस देखते हैं। केस चार, बैंक में कितना पैसा आएगा? 800। शेयर फॉर फ्यूचर कितने से हो जाएगा? 200। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, समझ में आइए। अब कितना कमाया था? नुकसान। क्या कुछ पैसा है जो मैं भेजूं? अगली एंट्री नहीं करेंगे। समझ में आया? तो चार एस्पेक्ट हो सकते थे, मैंने चारों कर दिए यहां पे। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा व्हेन फुल, यानी हमने फोर फीचर 100 किए और रीइशू भी कितने कर दिए मैंने? पूरे 100 शेयर, लेकिन कितने कितने रुपए में करे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, उस कैटेगरी के हिसाब से मैंने ये वाला कर दिया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया फुल। अब इसको नोट करेंगे, फिर मैं अब पार्टली पे आऊंगा इसके बाद। ठीक है ना, तो इसको नोट करिए फटाफट से। अब हम कॉन्सेप्ट जो करेंगे
वो करेंगे पार्टली, क्वेश्चन हमने सेम ही रखा है। तो मैं आपको अभी शेयर फोर फीचर वाली जो एंट्री था ना वो मैं करके दिखा देता हूँ। अभी आपने नोट किया है, हालांकि इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू एरियर ऑन अलॉटमेंट ये लिख रखा है आपने अभी, और टू कॉल्स इन एरियर। अब इसके अंदर देखा जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट हमने किया था 1000, और यहां पे आया था 200, यहां पे 300 और यहां पे 500, ये हम कर चुके हैं। मैं इसकी डिस्कशन नहीं करूंगा अभी। कॉन्सेप्ट हमारा पार्टली शेयर री इशू। अब पार्टली शेयर री इशू का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 100 शेयर फोर फीचर किए हैं, इसमें से मैं 90 री इशू करूं, इसमें से मैं 80 री इशू करूं, इसमें से मैं 60 री इशू करूं, इसमें से मैं 50 री इशू करूं, या इसमें से 20, यानी 100 से कम जितने भी री इशू करूंगा वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा पार्टली री इशू का। ठीक है, यानी पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, जितने शेयर फोर फीचर किए सारा का सारा री इशू। अब वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जितने शेयर री इशू किए सारा नहीं, उसमें से कुछ कम। तो ऐसे सिचुएशन में जब कभी भी हम कम रीइशू करेंगे तो रीइशू कैसे होगा देखना ध्यान से। अगली एंट्री बैंक वाली करते थे हम, पहला मैंने केस लिया है 80 रीइशू किया है, लेकिन मैं 10 के हिसाब से लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो 10 के हिसाब से तो मेरे बैंक में पैसा आएगा 80, सिर्फ रीइशू करे 80 इंटू में 10, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अब एक बात ध्यान देना, नॉर्मली ये जो फोर फीचर है ना वो 100 शेयर पे कमाया है, लेकिन मैंने रीइशू कितना किया है 80। तो हमें कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन भी जितने रीइशू किए हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें रीइशू निकालने के लिए मैं एक यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्चुअल अमाउंट फोर फीचर। ये जो आपको फोर फीचर 200 दिख रहा है ना वो तो पूरे 100 पे है, तो एक्चुअल अमाउंट का मतलब जितने रीइशू करा उसके अकॉर्डिंग कितना होगा, इज इक्वल टू टोटल शेयर फोर फीचर अमाउंट, टोटल शेयर फोर फीचर अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर फोर फीचर नंबर मल्टीप्लाई रीइशू नंबर। ठीक है ना, इसका निकाल के चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। मैं बोलूंगा ₹200 टोटल फोर फीचर है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ₹100 था, इंटू में री इशू कितने किए 80, तो इसका मतलब मैंने कमाया 160। अब क्या नुकसान है मेरा कोई, री इशू के टाइम पे क्या कोई नुकसान है मेरा, ₹10 में ही री इशू है, 10 वाला शेयर, क्या कोई लॉस है, नहीं है लॉस। और हमारा फायदा कितना हुआ था, 200 है, लेकिन 200 जो है वो कितने शेयर पे है, 100 शेयर पे है। पूरे जो 200 था ये कितने शेयर पे था, 100 पे, लेकिन हम जब रीइशू 80 पे कर रहे हैं तो 80 से हिसाब किताब निकाल लो आप। तो इसका मतलब अब एंट्री करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, आपका आएगा ₹160। देखते जाना आप, केसेस में कर रहा हूं मैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो केस नंबर टू, अगर मैं करूं 11 पे तो क्या होगा, ठीक है ना, अगर मैं 11 पे करूं तो क्या होगा, तो बैंक में कितना पैसा आएगा बताओ, 80 शेयर मल्टीप्लाई 11 टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पे भी कोई लॉस नहीं है। अगेन अब फायदा में तो इसका मतलब कन्वर्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करेंगे भाई, जब आपने फोर फीचर ज्यादा शेयर किया हो और रीशू कम किया हो तो ये तो पता लगाओ जो रीशू कर रहे हो उसका वैल्यू कितना था फोर फीचर के कंपैरेटिवली। यानी जो फोर फीचर है वो तो 100 पे है, हम कभी भी कंपैरिजन बराबरी का करेंगे, ऐसा तो नहीं एक ज्यादा और एक कम हमने कंपेयर कर लिया, तो ऐसे तो जिसका ज्यादा होगा हमेशा ही वो आगे रहेगा। तो इसलिए यहां पे तो ये था 100 पे और रीशू 80 पे है, तो फिर अगेन हम नंबर निकाले कैसे निकालेंगे,
क्या फॉर्मूला है? टोटल शेयर फोर फीचर यानी कितने थे डिवाइडेड बाय टोटल शेयर नंबर री इशू, आ गया 100। अगली एंट्री शेयर फोर फीचर टू, बताओ अगली एंट्री केस नंबर थ्री। अब मैं कर रहा हूं 9 पे, ठीक है ना। अब बैंक में पैसा आएगा, बैंक में कितना आएगा? 80 इंटू में 9, 720। शेयर फोर फीचर कितना आएगा? 80 इंटू में 1, 80 रुपए, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आया क्या? अब हमें पहले फोर फीचर डायरेक्ट माइनस नहीं करना, 80 नुकसान और ये ऐसे नहीं, पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई? 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में, तो कितना कमाया? 160 में से 80 हो गया लॉस। अब आएगा शेयर फॉर फीचर, समझ में आया क्या ये? यानी अगर कम रीइशू करेंगे तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगली एंट्री केस नंबर फोर, अगर मैं 8 रुपीज पे करूं तो बैंक में कितना पैसा आएगा बताओ? 8 इंटू में 600, शेयर फोर फीचर 2 इंटू में 160, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 800। अब 200 था, 100 शेयर था, 80 के हिसाब से 160 लॉस कितने का है? अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं करेंगे। चलो एक और केस देखते हैं। अगर मैं रीइशू करूं 80 के जगह पे 90, 80 के जगह पे करूं 90, तो मैं आपको ये 9 रुपीस वाले से करके दिखाता हूं, ठीक है। अगर 80 के जगह पे 90 करूं तो बैंक में कितना पैसा आएगा? केस ये है, बैंक में क्या आएगा? 90 शेयर मल्टीप्लाई 9 से करके दिखा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई शेयर फॉर फीचर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? 200, अब मल्टीप्लाई 80 करें, अब 90 करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कितने करने पड़ेंगे? 90, 180 कमाया नुकसान, अब जाएगा। समझ में आया क्या? तो हमें ये कब कॉन्सेप्ट लगाना है? जब फोर फीचर मैंने किए हैं और रीइशू कितने किए? सारे नहीं, उसमें से कुछ कम, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 नंबर में जो आता है। और लास्ट एंट्री आपका सिर्फ इस कैलकुलेशन नहीं आता स्टूडेंट को, इसलिए उनका गलत होता है, ठीक है। अब नोट करो, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा इससे रिलेटेड। चलो होमवर्क लिखते हैं। होमवर्क में मैं लिख रहा हूं आपका रीइशू है, क्वेश्चन यही है सेम। रीइशू अगर हो 8 पे, 9 पे, 10 पे, 15 पे, और आउट ऑफ 80 शेयर हो, 60 शेयर हो, 70 शेयर हो, और 50 शेयर, कितने क्वेश्चन हो गए बताओ? 16। 8 रुपए से पहले इन सबका करोगे, फिर 9 रुपए से इन सबका करोगे, फिर 10 रुपए से इन सबका करोगे, फिर 15 रुपए से ये सब। समझ में आया? क्वेश्चन आपका यही है, बस नंबर चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल 44 से लेके 54 तक, ठीक है, ये रहेगा आपका होमवर्क। अब फटाफट एक बार इसको नोट करिए आप।